नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए जिले के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र से सुनील कुमार सुशांत की रिपोर्ट। रानीगांव में काव्य पाठ प्रतियोगिता बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला प्रतियोगिता के लिए 5 बच्चों का हुआ चयन। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के रानी 3 पंचायत के रानीगांव स्थित तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल सभागार में राष्ट्रीय कवि संगम इकाई बेगूसराय के द्वारा प्रखंड स्तरीय श्रीराम काव्य पाठ प्रतियोगिता और बाल कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों से दर्जनों की संख्या में साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी, अभिभावक मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कवि संगम इकाई बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रभाकर कुमार राय और विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता अमी कश्यप मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवकाश प्राप्त शिक्षक साहित्यकार डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी ने की, जबकि संचालन राष्ट्रीय कवि संगम इकाई बछवाड़ा के प्रखंड महासचिव आर्यन कुमार ने किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रभाकर कुमार राय, विशिष्ट अतिथि अमी कश्यप, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। विद्यालय परिवार ने मिथिला की परंपरा को कायम रखते हुए मौजूद आगत अतिथियों का स्वागत फूलमाला और चादर से किया। प्रखंड स्तरीय काव्य पाठ प्रतियोगिता बाल कवि सम्मेलन में प्रखंड क्षेत्र के तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल रानी, मध्य विद्यालय रानी, मध्य विद्यालय नारेपुर, मध्य विद्यालय फतेहा, कन्या मध्य विद्यालय झमटिया, मध्य विद्यालय बेगमसराय व मध्य विद्यालय रदौली के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बता दें कि श्री राम काव्य पाठ बाल कवि सम्मेलन में प्रखंड क्षेत्र के 7 विद्यालय के तकरीबन 210 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से प्रखंड स्तरीय श्री राम काव्य पाठ बाल कवि सम्मेलन के लिए सभी विद्यालय से 40 बच्चों का चयन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद बाल कवियों ने अपनी अपनी रचना की प्रस्तुति कर मौजूद लोगों को आह्लादित कर दिया और मन को मोह लिया। बाल कवि की प्रस्तुति पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर बाल कवियों के हौसलों की अफजाई की। प्रखंड स्तरीय श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रखंड क्षेत्र के 5 बच्चों को जिला प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया, जिसमें तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल रानी के रोहित राज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि द्वितीय स्थान पर तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल रानी के ऋतुराज कुमार व आयुष कुमार और तृतीय स्थान पर तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल की खुशी कुमारी व मध्य विद्यालय रदौली के अमन कुमार का चयन किया गया। बता दें कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित बच्चों में से 4 बच्चे तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के चयनित किए गए हैं। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने अपनी लगन व मेहनत के बल पर प्रखंड स्तर पर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अपनी जगह बनाई है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अधिकतम 4 बच्चों के शामिल होने को लेकर आगत अतिथियों ने तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक अमित विक्रम को बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्यकार डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी ने कहा कि कविता मनुष्य के जीवन में अपना ही एक अलग महत्व रखती है। काव्य जीवन का विशाल दर्पण है, कविता के बिना मनुष्य अधूरा है। प्रकृति मनुष्य का आवरण है तो कविता मनुष्य का हृदय है। कवियों की कला व सत्यवाणी विश्व का दर्पण होती है। सत्य और साहित्य के बिना जीवन अधूरा ही नहीं निष्प्राण होता है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रभाकर कुमार राय ने कहा कि प्रतियोगिता में हार व जीत कोई मायने नहीं रखती। प्रतियोगिता में भाग लेने से आगे बढ़ने एवं मेहनत करने को जज्बा मिलता है। आप तमाम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए लंबा समय आपके हाथ में है, इसी तरह आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। वहीं विशिष्ट अतिथि अमित कश्यप ने कहा कि आप लोग देश के भविष्य व साहित्य के संरक्षक हैं। आप लोगों के ऊपर समाज व देश को नाज है। आगे बढ़कर अपने परिवार, गांव, जिला व राज्य का नाम रोशन करें, यही हमारी आप लोगों से शुभकामना है। कार्यक्रम को राष्ट्रीय कवि संगम बेगूसराय के जिला महासचिव निश्चल राणा, जिला संरक्षक प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा, प्रखंड महासचिव आर्यन कुमार, देवनीति राय, प्रखंड उपाध्यक्ष संयोजक सुमन कुमार, ईश्वर प्रखंड कोषाध्यक्ष सरोज चौधरी, सत्यसंत भारद्वाज आदि ने संबोधित किया। मौके पर विद्यालय के संस्थापक आकाश प्राप्त स्टेशन अधीक्षक सुधीर राय, निदेशक अमित विक्रम, प्राध्यापक सीपी पाठक, कन्हैया कुमार ठाकुर, विकास कुमार, मनीष कुमार, रश्मि राय, नयंगी कुमारी समेत दर्जनों की संख्या में पोषक क्षेत्र के साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी व अभिभावक मौजूद थे। अ
संगम बेगूसराय का ही नहीं संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय कवि संगम का यह उद्देश्य रहा है कि विगत दो वर्षों से कोरोना काल में जो साहित्य से अलग थलग रहे बच्चे उनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाना और इस कार्यक्रम के तहत श्री राम जो जन जन के हृदय में समाये हुए हैं उनके ऊपर रचित काव्य पाठ जो विभिन्न कवियों ने रचना की है उसके माध्यम से प्रखंड स्तर से लेकर के जिला राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड स्तर में हर प्रखंड से 3 बच्चे जो चयनित होंगे वो जिला स्तर पर भाग लेंगे। यहाँ से भी 5 बच्चे प्रथम में 1, द्वितीय 2 बच्चे और तृतीय में भी समान। क्लब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।